पिछले वर्ष से आए हुए हमारे सभी साथी आज अति उत्साह के साथ जांजगीर नगर प्रवेश के साथ स्वागत करने वाले मेरे युवा मोर्चा के साथी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महिला मोर्चा की हमारी बहनों ने बहुत ही गर्वजोशी के साथ आरती उतार के पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ही साथ पूरा नगर आज ऐसा लग रहा था कि जांजगीर की सड़कों में उतर आया है। सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आप सभी का आभार। ऐसा ऐतिहासिक स्वागत, विकास यात्रा की शुरुआत दंतेवाड़ा से 1 तारीख को 1 मई से करके 11-12 मई से करके आज 1 जून को जांजगीर आया हूं। जांजगीर जिले के 4th कार्यक्रम जैसा स्वागत जांजगीर के प्रवेश के साथ हुआ, गांव गांव में जैसा भूतपूर्व स्वागत हुआ, मुझे लग रहा है कि जांजगीर की जनता ने नए जिले निर्माण के बाद इस जांजगीर के विकास को अपने आंखों से देखा है। 36 विभाग के साथ साथ जो अधोसंरचना का निर्माण हुआ है, जिसकी बात अभी कर रहे थे, क्या क्या विकास, क्या क्या काम हुआ है, सांसद जी कमला पाटले जी और नारायण चंदेल जी गिना रहे थे, मैं उन कामों पे जाना नहीं चाहता। मैं तो इस प्रसिद्ध नगरी, 10वीं सदी की नगरी, राजा जाजवल देव प्रथम की नगरी के रूप में प्रसिद्ध जांजगीर चांपा के वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, क्योंकि यह संस्कारधानी नगरी है। ये नगरी प्राचीनतम नगरी, प्राचीन काशी के नाम से, छत्तीसगढ़ की काशी नाम से प्रसिद्ध, खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव, शिवरी नारायण में नर नारायण, जांजगीर में नहरिया बाबा हनुमान जी, उत्पादन करते हैं उन अन्नदाताओं को मैं
कार्यकर्ताओं की प्रतिनिधि से छत्तीसगढ़ ने धान के उत्पादन में अग्रणी स्थान किया है और छत्तीसगढ़ अपने लिए धान उत्पादन नहीं करता। जो छत्तीसगढ़ कभी पलायन करता था, जो छत्तीसगढ़ में जहां कभी भूख से मौत होती थी, वही छत्तीसगढ़ है। 2003 के पहले के हालात ऐसे थे, 2000 के पहले हालात ऐसे थे जहां लोग पलायन करना पड़ता था। आज वही गांधी इतना आलू उत्पादन करता है कि छत्तीसगढ़ को छोड़कर 6 राज्यों को हम चावल खिलाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की ताकत है, ये छत्तीसगढ़ के किसानों की ताकत है। उत्पादन आपने बढ़ाया है, फल का उत्पादन बढ़ाया है, सब्जी का उत्पादन बढ़ाया है, कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में पहचान आपने बनाई है। छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम संस्कारित नगरी के रूप में आज 12,50,000 किसानों को आवास का पट्टा देने भी निकले हैं, विभिन्न योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करने निकले हैं। हम लोग निकले हैं, 4,500 किलोमीटर की यात्रा मेरी हो गई। 44 डिग्री, 45 डिग्री, 46 डिग्री के टेम्परेचर में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में कहीं टेंट गिर जाता है, पर छत्तीसगढ़ के जनता को मैं प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़कर। इनके मनोबल को कोई तोड़ नहीं सकता। जांजगीर के लोगों को क्या गर्मी और क्या लू चल रहा है, मैं देख सड़क किनारे माता खड़ी है, 80 साल 90 साल उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसको वोट से कोई लेना देना नहीं। 90 साल 85 साल की वृद्धा मां चिलचिलाती हुई धूप में सड़क में आके दोनों हाथ उठा के जब आशीर्वाद देती है तो मुझे लगता है यदि छत्तीसगढ़ में हमने खाद्यान्न सुरक्षा चावल की योजना लागू की है तो माता के आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं मिल सकता जो उसने सड़क में आकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद भी कांग्रेस के मित्र हमारे विकास ढूंढने निकले हैं, विकास खोज रहे हैं। मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहूंगा, विकास यह है गरीबों को 1 रुपये किलो चावल, विकास है 50,000 रुपया का स्वास्थ्य सुरक्षा में गरीबों को सुरक्षा की गारंटी, विकास है सड़कों का जाल बिछाने का, कौशल उन्नयन की मेरे बच्चे दिख रहे थे, विकास है मजदूरों के लिए जो योजना बनी है, हजारों मजदूर जो पत्थर तोड़ते हैं, गिट्टी तोड़ते हैं, मेहनत करते हैं, जिनके श्रम से, जिनके परिश्रम से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी होती हैं, चौड़े चौड़े चमचमाती हुई सड़क बनती है, उनके लिए आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हमने उनके लिए 250 करोड़ की योजना बनाई, उनको सिलाई मशीन दे रहे हैं, उनको साइकिल दे रहे हैं, उनको किट दे रहे हैं, उनके जीवन में भी खुशी आएगी। बेटियों के लिए साइकिल देने का काम कर रही सरकार, अलग अलग योजनाओं में सरकार ने सभी वर्गों को साथ में जोड़ने का काम किया। और मैं ये कह सकता हूं कि इस यात्रा में 2000 से 2003 कांग्रेस के उस शासनकाल आपने देखा होगा, भय आतंक का लोग पलायन करने लगे थे। आज हम उस विकास को सामने लाए हैं, गांव गांव में खुशहाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सौभाग्य योजना में 100% घरों में विद्युतीकरण का काम हम करने जा रहे हैं। एक भी पारा टोला मंजरा नहीं बचेगा जांजगीर जिले का जिसको आने वाले 4 महीने के अंदर विद्युतीकरण का काम ना हो जाए। 100% विद्युतीकरण का काम भी हम करने वाले हैं। योजनाएं सामने, विकास दिखता है, ये कांग्रेस के मित्रों को विकास नहीं दिखता। ये कांग्रेस के मित्रों को 1700 करोड़ का बोनस की राशि नहीं दिखती, मगर मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस के लोग इतने चतुर होते हैं, बोनस सबके खाते में गया है। आप लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद पैसा निकालोगे, कांग्रेसिया 8 बजे जाके बैंक में बैठ जाएगा, इतना होशियार होता है। विरोध करते हैं मगर सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में सबसे आगे आ जाते हैं। ये कांग्रेस के लोग विकास का विरोध करते हैं, सड़क का विरोध करते हैं, बोनस का विरोध करते हैं, विकास यात्रा का विरोध करते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि विकास का विरोध क्या होता है। और विकास का विरोध करते करते 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल उनको आपने विरोध में, विपक्ष में बैठा दिया, और ऐसा ही विकास का विरोध करेंगे आने वाले 15 साल भी विपक्ष में बैठेंगे कांग्रेस के लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
विकास की क्या परिभाषा हो सकती है, विकास को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, गांव गरीब और किसान की प्राथमिकता कैसे हो सकती है। गरीबों के लिए योजना बनी, मजदूरों के लिए योजना बनी। आज मैं सब योजना को गिराने नहीं आया हूं, मैं ये कहने आया हूं कि छत्तीसगढ़ में हमने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए योजना बनाई, लाडली बेटी योजना। पैदा होते ही 5000 की राशि जमा करते हैं, हर साल 5000 जमा करते हैं। बेटी जब 18 साल की हो जाती है तो 1,00,000 रूपये से ज्यादा राशि जमा उनके खाते में हो जाती है। योजनाएं बहुत सारी हैं, योजना गिनाने की जरूरत नहीं है। आप सब योजनाओं के बारे में आज किताब भी बटा होगा, जनमन पत्रिका आपके हाथ में होगा, जनसंपर्क विभाग ने किताब आपके हाथ में दिया होगा। किताब यदि आपके हाथ में है तो ऊपर दिखाइए कि किताब आपको मिला है। ये जनमन किताब को आप पढ़ लीजिए, तुलना कर लीजिए 2003 से 18 का। आप तो पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद 2-4 दिन बाद आपके पड़ोसी कोई कांग्रेसी मित्र हो उनको बुलाइए, चाय पिलाइए और ये जनमन को पूरा पढ़ने के लिए बोल दीजिए। जनमन को यदि पूरा पढ़ लेगा तो जीवन में कभी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। इस किताब में सारी योजनाएं हैं, हमने बहुत सारी योजनाएं, पुरानी योजनाओं में एक जांजगीर चांपा के किसानों को मैं बताना चाहूंगा, किसानों के लिए पहले हम 1,00,000 रूपये की सब्सिडी देते थे पंप खुदाने के लिए सरकार के माध्यम से। 6 महीने से वो योजना बंद थी, 2 दिन पहले ही हमने निर्णय लिया किसानों को 1,00,000 रूपया पंप की खरीदी में हम सब्सिडी वापस देंगे। एक पंप नहीं, उस एक पंप के साथ दूसरे और तीसरे पंप में भी किसानों के लिए छूट होगी फ्लैट रेट लेने की। 5 आवर से ज्यादा पंप भी है उसको भी फ्लैट रेट में किसान एग्रीमेंट कर सकता है। सरकार की योजना बहुत सारी है, अभी हमने एक नई योजना लाई है स्काई योजना। आने वाले 4 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ के 50,00,000 लोगों के हाथ में 50,00,000 लोगों को स्मार्टफोन का निःशुल्क वितरण होगा। आप सब हाथ में मोबाइल फोन हो, बहुत सारी योजनाओं को गिनने की जरूरत नहीं है। एक योजना के बारे में बताना चाहूंगा जो नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए विशेष तौर से योजना के बनाई है। प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि छत्तीसगढ़ गरीब राज्य है, छत्तीसगढ़ में गरीबी सीमा के लोग रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कभी हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, जरूरत पड़ जाती है बाईपास कराने की, लीवर की जरूरत पड़ती है, किडनी उसको ट्रांसप्लांट करना है, कैंसर हो गया, उस गरीब का घर बिक जाता है, मकान बिक जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हमने अभी 50,000 तक इलाज की गारंटी तो दी है मगर उसमें उसका खर्चा नहीं होता। मेरे मित्र आते हैं संजीवनी से शिथिल करा लो, विधायकगण आते हैं संजीवनी से शिथिल करके 1.5-2 लाख दे दे, उसमें भी पूरा इलाज नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने कहा यदि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी समस्या है, एक राष्ट्रीय स्तर में योजना का क्रियान्वयन हम करेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा है, उस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा, आयुष्मान भारत में 5,00,000 तक इलाज की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में होने वाला है, आपका सर्वे हो रहा है। एक बार आयुष्मान भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। आयुष्मान भारत छत्तीसगढ़ के गरीबों के जीवन में खुशहाली लेके आएगा, छत्तीसगढ़ के जीवन में तरक्की लेके आएगा। और विकास की इस यात्रा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास यात्रा में 45 विधानसभा में मैं जा चुका हूं, गरीबों के चेहरे में खुशी देखता हूं, विश्वास देखता हूं। जब मैंने यात्रा शुरू की दंतेवाड़ा से, जब मैंने यात्रा शुरू की मुझे लगा ये यात्रा विकास की यात्रा है, यात्रा विश्वास की यात्रा है। और मैं जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेने आता हूं तो मुझे लगता है ये यात्रा मेरे लिए तीर्थ यात्रा के समान पवित्र है, क्योंकि आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है। जांजगीर में 4 घंटे तक आपने इंतजार किया, 3 बजे 2 बजे से आकर आप इंतजार करते रहे मगर आपके जोश में कमी नहीं आई। मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और यहां मंच में आए हुए हमारे सभी साथियों का, इस क्षेत्र के विकास में जिनकी भागीदारी है उनको धन्यवाद दूंगा। आज हमारे गौरीशंकर अग्रवाल जी विधानसभा अध्यक्ष जी आए हुए हैं, ताली बजा के स्वागत करिए। आपके प्रभारी मंत्री अजय चंद्राकर जी, सांसद कमला जी, जो चमचमाती हुई सड़क बनाने वाले मंत्री राजेश मूणत जी, यहां के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष
नारायण चंदेल जी, मेघाराम साहू जिला अध्यक्ष जी, निर्मल सिन्हा जी, अंध विकास निगम अंबेश जांगड़े संसदीय सचिव खिलावन साहू जी, राम प्रताप जी अध्यक्ष वन औषधि बोर्ड, सौरभ सिंह जी पूर्व विधायक गिरधर गुप्ता जी, प्रदेश महामंत्री हमारे संगठन महामंत्री पवन साय जी, प्रशांत सिंह जी, अमर सुल्तानिया जी, मालती देवी रात्रे अध्यक्ष नगर पालिका लीलाधर सुल्तानिया, प्रदेश कार्य समिति भूपेन्द्र सवन्नी जी और आप सब में